नमस्कार दोस्तों, आप लोग के बहुत बहुत स्वागत है ममिता साहनी कुकिंग चैनल में। तो आज फिर से हम ढोकला की रेसिपी लेकर आए हैं, नए रेसिपी बनाएंगे ढोकला बहुत बढ़िया। हम तो हमारा एक कटोरी बेसन हो गया, अब हम इसको बनाने के तरीका हम आपको बताते हैं कैसे बनाते हैं ढोकला, ढोकला के बैटर। वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बीच में छोड़ के मत जाइएगा, तभी मालूम पड़ेगा कि हम कैसे ढोकला बना रहे हैं। सबसे पहले एक हम बोल लेंगे बड़ा सा, इसमें हम बेसन को ढार लेते हैं। अभी इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे स्वाद अनुसार, आधा बड़ा चम्मच से थोड़ा, अब बहुत कम हम नमक डाल लेते हैं। चीनी डाल लेते हैं हम एक चम्मच, थोड़ा मीठा के लिए। अभी इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक बढ़िया हम बैटर तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एक बार नहीं डालेंगे। कुछ ऐसा फेटते हुए हम बैटर को तैयार कर लिए, देखिए नहीं ज़्यादा गाढ़ा नहीं ज़्यादा पतला। अब इसमें हम दो चम्मच के करीब हम तेल डाल लेते हैं। बढ़िया ढोकला सॉफ्ट बनने के लिए तेल डालना ज़रूरी है, अच्छे से इसको मिक्स करते हैं बढ़िया से। तेल डालकर बढ़िया से हम मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें हम इनो फ्रूट डालेंगे, आधा बड़ा चम्मच के करीब। थोड़ा सा इस पर हम पानी डाल लेते हैं, इसको फटाफट मिक्स करते हैं। इनू डालते पूरा बबल ऊपर पड़े आने लगता है। इनू डालकर ज़्यादा देर तक नहीं रखना है इसको, फटाफट एक ऐसा हम थाली ले रहे हैं, इसमें तेल लगा दिए हैं पहले से। इसमें हम बैटर को ट्रांसफर कर लेते हैं, इसको बढ़िया से ऐसा टैप कर देंगे। अभी इस पर थोड़ा अच्छा दिखने के लिए हम धनिया पत्ता डाल लेते हैं साइड साइड से। इसको देर नहीं करेंगे, अब फटाफट हम रखते हैं गैस पर। गैस पर कढ़ाई रख दिए हैं, पानी भी रख दिए हैं, पूरा ये लगा दिए हैं हम स्टेनर। अब इस पर हम रखते हैं इसको, बढ़िया से रख दिए। अब इसको हम एक बर्तन से कवर कर देंगे। ये हमारा जो बर्तन है कढ़ाई पर फीट आ रहा है, तो हम 15 से 20 मिनट तक इसको बढ़िया से बहुत अच्छे से ढोकला को उबाल लेंगे अच्छे से। बीच में एक दो बार हम चेक करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। चलिए इसको हम चेक करते हैं, हटा कर देखते हैं। देखिए कितना बढ़िया इसको ऊपर पड़ी खिल कर आ गया हमारा ढोकला बहुत बढ़िया से। इसको चेक करते हैं हम, चाकू लेंगे हम एक, इसमें डालकर हम देखेंगे। अभी नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा भी आ रहा है, देखिए पास दिखा रहे हैं आपको। फिर से हम 2-3 मिनट के लिए इसको ढक कर बढ़िया से और हम इसको पकाते हैं। दो तीन मिनट बाद फिर से हम चेक करते हैं, हो गया है बहुत बढ़िया। गैस को बंद कर लेते हैं, ठंडा होने देते हैं ढोकला को।
पूरा हमारा ढोकला ठंडा हो गया है, किनारा किनारा से इसको ऐसा निकाल लेते हैं। निकाल लिए इसको किनारा किनारा से, अब इसमें हम कट लगा लेते हैं। इधर से भी लगा लेते हैं। अब हमें किनारा से एक निकाल कर दिखाते हैं आपको। ये देखिए कितना बढ़िया सॉफ्ट जालीदार हमारा ढोकला तैयार हुआ है। अब इस पर के हम तड़का लगा लेते हैं। गैस पर हम कलछी रख दिए हैं, कलछी में तेल डाल लेते हैं, बढ़िया से इसको गर्म होने देते हैं अच्छे से। तेल हमारा अच्छा गर्म हो चुका है, इसमें हम सरसों डाल लेते हैं, दो मिर्ची हरा कटा हुआ, थोड़ा सा करी पत्ता। अब इसको ढोकला के ऊपर डाल देंगे हम। अब इस पर से हम पूरा डाल देंगे। तो ये लीजिए हमारा पूरा ढोकला बनकर तैयार है। कितना बढ़िया, देखिए कितना सॉफ्ट, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी। हम आपको दिखाते हैं पास से। तो ये लीजिए हरी चटनी के साथ, बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा हमारा ढोकला बनकर पूरा तैयार है। बहुत बढ़िया लगता है। हम आपको पास दिखाते हैं चटनी, धनिया की चटनी है, हरा धनिया, बहुत बढ़िया लगता है। इसमें आप ऐसा उठाइए चटनी के साथ, डुबो कर खाइए, बहुत बढ़िया लगता है। तो ये देखिए हम आपको पास से दिखा रहे हैं, कितना सुंदर इसको लुक दिख रहा है, कितना बढ़िया इसको टेक्सचर दिख रहा है। जितने दिखने में अच्छा दिख रहा है, उतने खाने में बहुत टेस्टी लगेगा ढोकला। एक बार ज़रूर बना कर खा कर मुझे कमेंट में बताइएगा कि हमारी रेसिपी आप लोग के कैसी लगी। दोस्तों अगर मेरा रेसिपी पसंद आई होंगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप लोग मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके रखिएगा कि सबसे पहले हम वीडियो डालें तो आप लोग के मोबाइल में नोटिफिकेशन जा पाए कि आप लोग देख पाए हमारा वीडियो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।